6 सितंबर 2022 यानी कि कल का दिन, कल के शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के और डिस्काउंट से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न आए थे जिसको 90% बच्चों ने नहीं कर पाए। उनको लगा कि ये बहुत कठिन है। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही प्रश्नों को एकदम सरल तरीके से बता रहा हूं जो कि पेपर में बच्चों को कठिन लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का। कोई दुकानदार 8,000 रुपए की वस्तु खरीदता है और अपने ग्राहक को 15% और 20% का और एक्स परसेंट की छूट पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो एक्स का मान क्या होगा? आप समझिएगा, अगर कोई वस्तु 8,000 रुपए की खरीदी गई और 4,896 की बेची गई, इस पर पहला डिस्काउंट है 15% का। 15% का मतलब 3/20 होता है। कहने का मतलब जो चीज 20 की होगी डिस्काउंट के बाद वो 17 की रह जाएगी। ये बात समझ में आ गई। दूसरा डिस्काउंट है 20% का, यानी कि जो चीज 5 की थी डिस्काउंट के बाद वो 4 की रह जाएगी। और तीसरा डिस्काउंट मुझे नहीं पता है जो कि मुझे निकालना है, तो मैं उसकी जगह ब्लैंक लिख लेता हूँ। ऐसा ठीक है, कोई समस्या नहीं। मैं देखो आपको क्या करना है, 20 × 5 = 100, 100 का मतलब 2 जीरो खत्म यहां से, 17 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 17 × 2 = 34 होगा, 14 बचेगा 149, 17 × 9 = 153, 17 × 8 = 136, 149 और 36 का मतलब 13, फिर 17 × 8 = 136। 4 से और डिवाइड कर लेते हैं, 4 × 7 = 28, 4 × 2 = 8, यानी जो चीज़ 80 से 72 हो रही है, कितनी हो रही है? 80 से 72। 80 से 72 होने का मतलब भी 10 से 9 हो रही है, और 10 से 9 का मतलब एक डिस्काउंट आ रहा है, तो एक का डिस्काउंट 10 पर है, यानी कि जो तीसरा डिस्काउंट होगा वो कितने परसेंट का होगा? ये जो तीसरा डिस्काउंट है जिसका मान एक्स था वो 10% का होगा। कितने परसेंट का? 10। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ठीक, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपये था, इसके बाद इसे 570 रुपये 72 पैसे में खरीदा गया। यदि एक डिस्काउंट 20% का है तो दूसरा डिस्काउंट क्या होगा? 820 रुपये की चीज जो थी 570 रुपये 72 पैसे की क्या हो गई? खरीदी गई। पहला डिस्काउंट 20% यानी 5 से 4। अब दूसरा डिस्काउंट हमें पता करना है कि क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं 5 से इसको डिवाइड कर लेता हूं। आप देखो 5 से काटेंगे, वैसे 10 है तो 2 कट ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप देख लो, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 20। इतनी बात समझ में आ गई, 164 बार। 4 से इसको काट लेते हैं, 4 × 1 = 4, यहां पर बचेगा 16, 4 × 16 = 16, 1 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, यहाँ पर अपने पास 2 आ जाएगा, 4 × 6 = 24 और 4 × 8 = 32, 142.68। अब ध्यान से सुनिएगा, 164 से 142.68 कम तो हो रहा है, कितना कम हो रहा है? मैं देखता हूँ 164 में अगर सीधे 142 कम करूँगा तो 22 कम होगा, 164 में 142 कम करता हूँ तो 22 कम होगा, लेकिन 22 में 0.68 और कम करना है तो 21.32 की कमी हो रही है, 21.32। अब देखो 21.32 की कमी 164 पर हो रही है, कितने परसेंट है? जब परसेंट के लिए 100 लिखोगे तो इसका दशमलव हट जाएगा। अब मैं क्या देख पा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, मैं क्या देख पा रहा हूं, मैं क्या समझूंगा, इस चीज को समझना है। अगर मैं ऐसी कौन सी संख्या देखूं कि जिसके इकाई में 4 हो और उस 4 में किसी संख्या का गुणा करें तो इकाई में 2 आ जाए, आप बताओ। और ऑप्शन आपके पास ये है, ये है 12, 13, 15 और 18। मुझे सीधे सीधे दिख रहा है कि 164 में अगर मैं 13 का गुणा करूंगा तभी मेरे पास इकाई में 2 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना? तो इसका मतलब ये इससे सीधे 13 बार कट जाएगा, यानी दूसरा डिस्काउंट कितने परसेंट का होगा? 13% का। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ आपके सामने। अगला सवाल, अंकित मूल्य 1840 है, 15% और एक्स परसेंट के 2 छूट है, घड़ी के लिए 1173 का भुगतान हुआ है, एक्स का मान ज्ञात करना है। 1840 रुपये अंकित मूल्य है, दिया कितने में है? 1173 रुपये में, 1173 रुपये में। इसमें पहला डिस्काउंट है 15% का, मतलब 5/3/20 का, कितने का है? 3/20 का, तो 20 की चीज कितने की हो गई? 17 की। अब हमें ये जो दूसरा डिस्काउंट है ना ये निकालना है, यहां और यहां की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 खत्म, 2 से काट लीजिए 9 बार और 2 से काट लीजिए 2 बार, 17 से इसको काटते हैं कितनी बार जाएगा? 17 × 7 = 119 होता है, तो 17 × 8 करते हैं तो 17 × 6 = 102 करते हैं, कितना करते हैं? 17 × 6 = 102, बचेगा 15, तो 17 × 9 = 153। ठीक, 92 से 69, क्या कुछ कट रहा है देखें, कट रहा है सर 23 से 4 बार, 23 से 3 बार,
यानी चार से तीन हो गया। अब चार से तीन होने का मतलब एक कम हुआ है चार पर, एक बटे चार मतलब 25%, यानी जो दूसरा डिस्काउंट होगा कितने परसेंट का होगा, ऑप्शन नंबर सी 25% का। ये प्रश्न बच्चों ने छोड़े हैं और उनको कठिन लग रहे थे। आप देखो कितनी सरलता के साथ ये सारे प्रश्न हो जा रहे हैं। 15,000 रुपए को बेचते समय उस पर 20%, 10% और 10% की तीन क्रमिक छूट है। बात समझिएगा, 15,000 पहली छूट 20%, 20% मतलब 5 से 4, दूसरी छूट 10% यानी कि 10 से 9 और तीसरी छूट भी 10% यानी 10 से 9। अब आपको बताना है उसका बिक्री मूल्य यानी कि यहां पर जो मूल्य आएगा वो क्या होगा। सुनिए, दो जीरो से दो जीरो सीधे खत्म, 5 से काटा 30 बार आ गया। अब मुझे 30 का गुणा इसमें करना है, तो 9 नवे में 81 और 30 चौको 120, 120 गुणे 81 जीरो, 12 एकम 12 दो, 1 12 8 96 और 1 97, यानी वो चीज कितने की बिकेगी, 9720, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे प्रश्न बच्चों को कठिन लगे हैं और उन्होंने छोड़े हैं। तो आपके पास अगर ऐसे प्रश्नों के लिए कॉन्सेप्ट नहीं था तो इसको प्लीज देखिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे ये बताइए कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी, ये ट्रिक और कॉन्सेप्ट इस चीज का कैसा लगा, आप ऐसे सवालों को अभी तक कैसे कर रहे थे और अब कैसे करेंगे। अच्छा, एक सवाल जो रहेगा ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ये सवाल मुझे सभी लोग होमवर्क से करके इसका आंसर कमेंट करेंगे, जितने भी लोग देख पा रहे हैं, और उसी तरीके से करेंगे जैसा मैंने ट्रिक आपको अभी सिखाई है, सब लोग इसी तरीके से करेंगे। और ये बहुत उम्दा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइक और शेयर में कंजूसी मत करिएगा, सभी लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।